क्रिमिनल कहता है शहबाज शरीफ क्रिमिनल है, उसको मैं ऑपोजिशन लीडर नहीं मानता। तुम्हारी औकात क्या है शहबाज शरीफ को ऑपोजिशन लीडर मानने की, और तुम्हारी जुर्रत कैसे है शहबाज शरीफ को क्रिमिनल कहने की? इमरान साहब, मेरा तुम्हारे लिए ये पैगाम कि जिस वक्त तुम्हारी कोई औकात नहीं थी तो उस वक्त इमरान खान के खानदान की क्या औकात थी। इमरान खान बाद में आते हैं। इमरान खान के दादा डॉक्टर अजीम नियाजी अफगानिस्तान के बादशाह के मुआलिज थे। इमरान खान के नाना अहमद हसन खान 1923 में जलंधर के सेशन जज थे। खान साहब के फादर इकरामुल्ला खान नियाजी 1946 में इंपीरियल कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग करके लौटे थे, और खान साहब ने 1970 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से ग्रेजुएशन की। अब आते हैं तुम्हारी औकात पे। तुम्हारी औकात ये है कि जब इमरान खान इस काबिल था कि वो लंदन में छुट्टियां गुजारने जाता था, तो तुम्हारे नवाज शरीफ कबाब 3 डब्बे बाल्टियां मरम्मत करके पैसे कमाता था। तुम्हारी माँ दाई थी, तुम्हारी माँ की शादी नवाज शरीफ ने करवाई, पहले एक शादी करवाई और उसकी खिदमात के एवज उस अनपढ़ जाहिल खातून को आज उस वो सेनेटर बनी बैठी है तुम मुस्लिम लीग नून वालों के टुकड़ों पे पल पल के। और तुम्हारी औकात ये है कि तुम्हारी किसी भी शादी में पहनने के लिए तुम्हारे पास अपने लिए एक जोड़ा भी नहीं होता। मरियम नवाज की उतरन पहन के आज तुम इस काबिल हुई हो कि तुम टीवी पे बैठो और इमरान खान को उसकी औकात याद दिलाओ। तुम्हारी अपनी क्या औकात है? तुम इमरान खान की वालदा की जब डेथ हुई तो उसने अपनी माँ की फौतगी जिस तरीके से देखी, उसने पाकिस्तान के लोगों की, पाकिस्तानियों की माओ को बचाने के लिए, बल्कि पूरी दुनिया की माओ को बचाने के लिए शौकत खानम बनाया। उसने मियांवाली जैसे डिप्राइव इलाके में उन बच्चों को बढ़ाने के लिए नमल यूनिवर्सिटी बनाई कि तुम लोग बैठ के टीवी पे प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके और वो ऑल पाकिस्तान टोकरा एसोसिएशन को सामने बिठा के तुम बकवास करो। तुम्हें ये जुर्रत कैसे हुई कि तुम इमरान खान का नाम लो? तुम कुछ भी नहीं हो बीबी, और ना तुम बन सकती।